नमस्कार साथियों, मैं चंद्र प्रकाश एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। हमारा आज का नया टॉपिक है इंडियन मैप, एंड इधर हम बात करेंगे हमारे भारत के राज्य एवं उनकी राजधानियों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। और इसको लेकर हम तीन वीडियो बनाएंगे, जिसमें पहली वीडियो में भारत के राज्य, दूसरी वीडियो में भारत के राज्य एवं उनकी राजधानियां, और तीसरी व अंतिम वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी राजधानियों की। पहली वीडियो में हम राज्यों के नाम ट्रिक्स पे याद करेंगे ताकि बच्चों को आसानी से याद हो सके। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे ऐसे राज्यों की जो कि विदेशी राज्यों की सीमाओं से लगते हैं, विदेशी राष्ट्रों की सीमाओं से लगते हैं। जैसे पाकिस्तान की सीमाओं से लगने वाले राज्यों को लेकर हमने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक का नाम है पराग जम्मू गया। पराग से पी से पंजाब, राग से राजस्थान और ग से गुजरात, यानी पराग मतलब पंजाब, राजस्थान और गुजरात, और जम्मू से जम्मू गया। तो ये गया एक अलग ट्रिक है, वो कोई ट्रिक नहीं है। पंजाब में आ गया टोटल इस तरीके से पराग जम्मू गया। तो इसमें हमने पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर को कवर कर लिया है। ये हमारे चार राज्य हो गए। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी सेवन सिस्टर्स के बारे में, जिनको अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है याद करने में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक दूसरी ट्रिक है, ट्रिक नंबर टू, आ मित्र। आ मित्र अर्थात डबल ए, आ से पहले ए से अरुणाचल प्रदेश, दूसरे ए से असम, और मित्र में एम से आ गया मेघालय और टी से आ गया आपका त्रिपुरा। ये दोबारा से एक बार बता रहा हूं, आ मित्र में ए से अरुणाचल प्रदेश, बी और दूसरा है, दूसरे ए से असम, तीसरे जो एम है उससे मेघालय, और मित्र के टी से त्रिपुरा बनेगा। ठीक है साथियों, हमारी अगली जो राज्य हैं, तीन राज्य, उनको लेकर जो ट्रिक बन रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी द्वारा एक योजना चलाई गई थी जिसको नमामि गंगे के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार से हमारी जो नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट आएगा उसमें ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम, यानी पहले दो दो वर्ड ले लीजिएगा इनका, नागालैंड का ना, मणिपुर का एम ए और मिजोरम का एम आई, यानी ना मा मी। नमामि तीन राज्यों को कवर करता है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इस प्रकार से हमारी सातों सिस्टर, यानी सात जो छोटे छोटे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, इनको हमने कवर कर दिया। और इन सातों बहनों का एक लौता भाई है जिसको आप सिक्किम के नाम से जानते हैं, ये सिक्किम इनका एक लौता भाई है। इस प्रकार से आठ, ये चार, बारह राज्य हमने कवर कर लिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो राज्य हमारी वे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी से लग रहे हैं, जिसमें हमने ट्रिक बनाई है बी और ए तक, यानी बी से बंगाल, ओ से उड़ीसा, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तक, यानी बी और ए तक। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक दो तीन चार, चार राज्यों को पूरी तरीके से हमने कवर कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं हमारे ऐसे राज्यों की जो कि एक ही शब्द के दो राज्य बनते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश एच से और एच से हरियाणा, उसी के साथ लगे हुए राज्य में ऊ से उत्तर प्रदेश और ऊ से उत्तराखंड, और उसी के नीचे हम बात कर लेते हैं एम से मध्य प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, फिर उसी के टच में राज्य हैं के से कर्नाटका, के से केरला, और साथ में दो राज्य आते हैं जिसको हमने पहले कवर कर लिया गुजरात को, जी से गुजरात और जी से गोवा। अंत में जो हमारे चार पांच राज्य जो बचते हैं उसमें हमने तीन राज्यों को लेकर एक ट्रिक बनाई है, जे से, जे फॉर झारखंड, सी फॉर छत्तीसगढ़ और बी फॉर बिहार, यानी जेसीबी के नाम से इनको हम जानते हैं। जेसीबी आप सब जानते हैं कि बुलडोजर जो सामान उठाने या मट्टी खोदने के लिए हैवी वेटेज के लिए लाया जाता है, तो जेसीबी मींस जे फॉर झारखंड, सी फॉर छत्तीसगढ़ और बी फॉर बिहार। तो जेसीबी ये तीन राज्यों को मिलकर हमने बनाया हुआ है। अंत में हमारा एक नया राज्य जो अभी बना है 29वां राज्य, जिसको आप तेलंगाना के नाम से जानते हैं, ये बचता है आंध्र प्रदेश का, ये हिस्सा था काटकर अभी बनाया गया है 2 जून 2014 को,
और अभी इन दोनों की कॉमन राजधानियां हैं और इस राजधानी को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही साथियों, अगली वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।